ओके तो हे दोस्तों, कैसे आप लोग? आपका स्वागत है प्रजापति गेमिंग चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो काफी कमाल का होने वाला है। आपने हमारी पिछली वीडियो को बहुत प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और मैं नई नई ट्रिक सर्च करके लाता हूँ, खोज के लाता हूँ। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा क्यूबीजेड के ऊपर। आपको क्यूबीजेड का स्किन परमानेंट मिल रहा है, ठीक है? परमानेंट हुआ कैसे, आने वाली वीडियो बताऊंगा, अगली वीडियो बताऊंगा, ठीक है? तो आज हम कवर करने वाले हैं सेवर्नी। सेवर्नी का टिप्स एंड ट्रिक मैं आज आपको पांच बहुत ही कमाल के टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा। अगर आप मतलब पांच, उसमें से एक दो तो नॉर्मल है, लेकिन जो तीन है ना, काफी जहर ट्रिक है। और मैं आपको बता दूं कि भाई, अगर आप वहां से बंदों को मारेंगे ना, अगर आप वहां से बंदों को मारेंगे तो भाई बंदे परेशान हो जाएंगे, भाई बंदा मार कहां से रहा है। और अगर लास्ट जोन बनता है, अगर आप उतना अच्छे से खेल नहीं पाते हैं, मतलब आप खेल नहीं पाते बरोबर, तब भी आप मतलब हिल बैटल करके, आप हिलिंग बैटल करके आप मतलब जीत सकते हैं। वहां पे कोई बंदा पहुंच भी नहीं पाएगा यार, और आप मैच बहुत ही आसानी से जीत पाएंगे। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं पांच पबजी सेवनरी के पांच बहुत ही कमाल के ट्रिक ट्रिक ट्रिक्स जो भी बोल लीजिए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज लाइक कर देना। एम रखते हैं 100 लाइक का, तो 100 लाइक मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा है आप लोगों के लिए। अगर आप चाहेंगे तो भाई 100 लाइक हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यार कोई ऐसी कमाल की ट्रिक है आपके पास है और मुझे मतलब लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो आप मुझे इंस्टा पे बता सकते हैं कमेंट करके, मतलब जो भी करके, फॉलो करके, जो भी करके आप बता सकते हैं। और उसका क्रेडिट भी मैं आपको दूंगा कि मतलब इस बंदे ने मुझे यह ट्रिक बताई है। ओके, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे भी आपको कमाल कमाल की वीडियो मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो दोस्तों, ये जो सारी ट्रिक्स हैं सेवनी में काम कर रही है, अगर आप इसको यूज करेंगे तो भाई आपको चिकन डिनर लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर पूरी स्क्वाड भी आ जाती है तो आप उसको अकेले पूरी स्क्वाड को किल कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। चलिए मैं पहले इस घर में थोड़ा लूट कर लेता हूँ। ओ भाई, तो आप देख सकते हैं कि बंदे का फुटप्रिंट आ रहा है, ठीक है? तो मैं थोड़ा सीढ़ियों पर जाके देखता हूँ बंदा है कहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि बंदा वहां पे बैठा हुआ है। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूं, अगर मान लीजिए इस घर पे, अगर इस घर पे कोई बंदा रहता है तो आप उसका किल कैसे करेंगे, ठीक है? ये जो घर है लाल वाला, अगर यहाँ पे कोई बंदा रहता है तो आप बिना घर में गए उसका किल कैसे करेंगे? जैसे कि आपने देखा कि बंदा मुझे पिक करके बैठा है, तो क्या होता है ना, कई बार अगर सिंगल बंदा रहता है या डबल बंदे रहते हैं तो भाई सीढ़ियों पर स्कोप करके रखते हैं। तो आपको इसके पीछे साइड में जाना है और आप देख सकते हैं कि यह जो वॉल है आपको यहाँ पे चढ़ना है। यहाँ पे चढ़ने के बाद में आपको एक जंप लगाना है। जैसे आप जंप लगाएंगे आप इस कंटेनर पे आ जाएंगे, ठीक है? आप एक बार करना, दो बार करना, आप एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, आपका हो जाएगा, ठीक है? अब आपको थोड़ा सा कंटेनर पर बैक जाना है, पीछे साइड में जाना है। उसके बाद में आपको रन करते हुए जंप लगाना है। जैसे आप जंप लगाएंगे आप घर के जो थोड़ा सा निकला हुआ है, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप जाके उस पर अटक जाएंगे, यानी खड़े हो जाएंगे। तो आप इजीली जाके बंदे का बहुत ही आसानी से किल कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो दूसरी ट्रिक है यहाँ पे वर्क कर रही है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल स्टोरी है, ट्रिपल स्टोरी है। अगर आप डबल स्टोरी पे चढ़ना चाहेंगे तो भाई आप चढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रिपल स्टोरी पे चढ़ना चाहेंगे तो आप ऊपर की साइड में नहीं चढ़ पाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप चढ़ना चाहते हैं तो आप कैसे चढ़ेंगे। सबसे पहले जाना है आपको डबल स्टोरी में, डबल स्टोरी के टेरिस पे चले जाना है, टेरिस पे ऊपर। तो चलिए मैं टेरिस पे चलता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैं टेरिस पे आ चुका हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको इस साइड में जाना है, पीछे की साइड में जाना है और इसके ऊपर चढ़ जाना है, ठीक है? आप देख सकते हैं आपको इसके ऊपर चढ़ जाना है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से एक लंबा जंप करना है। आपको पीछे की साइड में आना है और आपको एक लंबा जंप करना है। अगर आपके पास एनर्जी ड्रिंक रहता है, पेन किलर रहता है, तो आप मार लेना यार। इससे क्या होता है कि मतलब थोड़ा आपका जो स्पीड है तेज हो जाता है, ठीक है? तो आपको पीछे की साइड में आना है, उसके बाद में आपको लंबा जंप करना है। जैसे आप जंप करेंगे आप पतरे पे पहुंच जाएंगे, ठीक है? ये जो पतरा है आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से ऊपर जंप करना है, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा। आप देख सकते हैं जो मेरा मार्क है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको यहाँ पे खड़ा होकर दो तीन बार जंप करना है। जैसे आप जंप करेंगे आप देख सकते हैं कि मैं ऊपर की साइड में आ चुका हूँ। अब आप यहां से किसी भी बंदे का बहुत ही आसानी से किल कर पाएंगे। अगर कोई बंदा आपके ऊपर रश करना चाहेगा तब भी नहीं कर पाएगा। आप देख सकते हैं यहां से सारा का सारा व्यू आपको मिल रहा है।
अब आप देख सकते हैं कि सामने की साइड में फायरिंग हो रही है और लाल घर में मुझे बंदा दिखा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको नॉक करने की कोशिश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि बंदा बहुत इजीली नॉक हो चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी एनिमी का बहुत ही आसानी से किल कर सकते हैं और आप उसको नॉक कर सकते हैं, बंदा आपको देख भी नहीं पाएगा। अब दोस्तों जो तीसरी ट्रिक है यहाँ पे वर्क कर रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोशिश करेंगे तभी आप कर पाएंगे इस ट्रिक को, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, अगर आप कोशिश करेंगे तो भाई आप कर पाएंगे। लेकिन यह ट्रिक बहुत ही कमाल की है, बहुत ही हार्ड है। अगर आप इसके ऊपर चले जाते हैं तो भाई बंदा आपको तो कभी ढूंढ नहीं पाएगा और आप बंदे का बहुत ही आसानी से किल कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है ऊपर, ठीक है। आपको इसके ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद में आपको दरवाजा बाहर की साइड में ओपन कर लेना है, जिस तरह से मैं ओपन किया हूँ। ओपन करने के बाद में आपको अपने किसी भी बंदे को बोल देना है कि भाई तू ऊपर चढ़ जा, दरवाजे के ऊपर चढ़ जा। जैसे आपका बंदा जंप करेगा आपको चढ़ना है। आप देख सकते हैं जैसे मैं चढ़ा, उसको थोड़ा सा मतलब पुश कर दिया और वह बंदा ऊपर चढ़ गया। तो इस तरह से आपको ऊपर चढ़ना है दोस्तों। अगर आप ऊपर चढ़ जाते हैं तो भाई बहुत ही कमाल का व्यू मिलेगा और आप किसी भी बंदे का बहुत ही आसानी से किल कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि नंबर दो मुझे मार रहा है और ये बोल रहा है कि भाई मुझे भी ऊपर चढ़ा दे। तो यह ट्रिक भी बहुत ही कमाल की है, लेकिन इसको करने के लिए आपका टीममेट रहेगा तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों जो चौथी ट्रिक है यहाँ पे वर्क कर रही है, इस वाले घर में अगर यहाँ पे कोई बंदा रहता है तो आप उसका किल कैसे करेंगे। बहुत बार दोस्तों होता है कि यहाँ पे लोग कैम्प करके बैठ जाते हैं, सीढ़ियों पे कैम्प करके बैठ जाते हैं, सामने की साइड में कैम्प करके बैठ जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही कमाल का ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप उसके ऊपर सरप्राइज अटैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वाल है, ये टूटा हुआ वाल है, तो आपको इसके ऊपर चढ़ना है। उसके बाद में आपको एक जंप करना है, जैसे आप जंप करेंगे आप इसके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे आप आएंगे आप देख सकते हैं कि भाई सामने से पूरा व्यू मिल रहा है। अब अगर आपको यहाँ से उस बंदे का व्यू मिल जाता है तो आप उसका किल कर दीजिए। अगर नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, आपको दौड़ते हुए जाना है, रन करते हुए जाना है। उसके बाद में आपको जंप करना है। जैसे आप जंप करेंगे आप उसी दीवार पे पहुंच जाएंगे, जैसा कि मैं बोला था भाई इसका नाम मुझे पता नहीं, आप वहां पे खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद आपको बहुत ही अच्छा पोजीशन मिल जाएगा और आप सरप्राइज अटैक कर सकते हैं, उस बंदे को पता भी नहीं चलेगा। अब दोस्तों जो पांचवी ट्रिक है यहाँ पे वर्क कर रही है, अगर आप इस घर पे चढ़ना चाहते हैं तो आप कैसे चढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इस वाल पे आना है, वाल पे खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद में आपको जंप करना है, जंप करने के बाद में आपको डबल जंप करना है, ठीक है। जैसे आप डबल जंप करेंगे यह बंदा मतलब उस पत्रे को पकड़कर ऊपर चढ़ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर की साइड में सामने कवर है। अब आप सामने के जो बंदे हैं आप उनका बहुत ही आसानी से किल कर पाएंगे अगर जोन इस साइड बनता है तो, और आपको कवर भी मिल जाएगा, आप बंदों का बहुत ही आसानी से किल कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना और आप इसको शेयर कर देना ताकि और लोग इसके बारे में जान पाए। और अगर आपके पास कोई ऐसी ट्रिक है जो लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या तो आप मुझे इंस्टा पे बता सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो भाई वहां पे मैं तुरंत आपको रिप्लाई करूंगा, ज्यादा ज्यादा आधा एक घंटा 15-10 मिनट जो भी जाएगा मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और आपको क्या बोलते हैं क्रेडिट भी दूंगा। तो कमेंट करके बता देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।